बच्चों का हेल्प करो, अच्छे से रखो, सुरक्षित रहे। हमारी लड़का हो या लड़की हो, हिंदू है तो हिंदू ही रहे, चाहे कोई भी जात के हो। और हमारा जो हिंदू धर्म है वो हमारे लिए बहुत उत्तम है। टीचर बहुत अच्छे हैं, बच्चियों को भी बहुत पसंद आ रही है। और ये अच्छा है कि हमें इसके द्वारा सीख मिल रही है। जो माताएं भी जो पीछे रह जा रही थी, वो पढ़ाई लिखाई के तारे दे रहे थे, लेकिन इससे बच्चियां कैसे भूल जा रही है, सिस्टर कैसे पीछे जा रही थी। जो प्रयास फाउंडेशन के अध्यक्ष ब्रजेश सिंह ने आप लोगों को यह मुहैया करा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए बस बहुत अच्छा, धन्यवाद है कि बहुत अच्छा। और इसी तरह वो प्रेरित करते रहे, प्रेरित करे वो हमें। हमारे देश की सनातन लड़कियों से एक ही कहना है कि तुम दुर्गा बनो काली बन, पर कभी ना फुरके वाली बन। अपने शास्त्रों से जुड़ो और जरूरत पड़ने पर शस्त्र उठाओ। और हमारी परंपरा, सभी लोग संगठित हो, आपस में जो भी मोहल्ले में रहते हो संगठित हो के अपने बच्चों को साथ में रहे। हर बेटी को दुर्गा रूप होना चाहिए और किसी के चंगुल में। और सबसे पहले तो सलमाओं की दोस्ती बंद करें, ताकि ये सलमा अब्दुल तक ले जाने का काम करती है। इन सलमाओं को सबसे ज्यादा, इन सलमाओं की दोस्ती से हमारे हिंदुस्तान की हर बेटी दूर रहनी चाहिए, क्योंकि वो अब्दुलों तक मिलाने का काम वो सलमा ही करती है। तो ये हमारे सनातन धर्म की हर बेटी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो अपने माता पिता का मान सम्मान करें, अपने संस्कृति का पालन करें। आंसू इसलिए आया है क्योंकि हम लोग संगठित नहीं होते हैं। इस संगठित न होने के कारण ये दिन देखने पड़ते हैं और हमारे बच्चों को समझदारी नहीं आती है। हम आसपास में एक संगठित होके अपने बच्चों के साथ हंसे खिले मिलजुल के रहे तो ऐसे नौबत नहीं आएगी। उनके साथ ये सब होता है, हमारे मालवनी एरिया में बहुत कन्वर्जन होते हैं, बट वी डोंट नो अबाउट इट। वी थिंक्स लाइक इट इज अरे यार सेक्युलरिज्म, व्हाट इज सेक्युलरिज्म, वी शुड नो अबाउट इट कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वी थिंक लाइक यार चलो दोस्त से दोस्त है, बट हमारे दोस्त ही हमारे हमारी जो हमारी लाइफ का सिद्ध कर देते हैं। इवन सलमा जैसे जो कार्य करते, जो लड़की सप्लाई करती है, हाँ अभी हम तो जैसे एज वी स्टे इन स्लम एरिया, वी डोंट नो अबाउट इट। वी थिंक लाइक वी मेक इट फन, हम इसको फन ही समझेंगे ना। हम दोस्त दोस्तों में हाथ लगा के घूम के चलते, बट अभी इतना हमको कुछ नहीं पता। ये लड़कों को कुछ नहीं पता है, इनको मैंने लेके आया, इनको कुछ पता नहीं था इसके बारे में, बट अभी हमारे हमसे लोग जुड़ के इनको पता चलेगा इसके बारे में। और इतना बड़ा जो आप बोल रहे हो अभी सलमान या जो भी इराक में सप्लाई करते हैं, वी इवन डोंट नो अबाउट इट, वी गेट टू नो अबाउट इट केरला के बारे में। इधर भी बहुत होता है, अगर इधर का भी हम लोग ने जांच किया या एनालाइज किया तो हमें इधर से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी कितनी लड़कियाँ इधर से इधर होती हैं। बैन कर दे तो वो उनकी बदनसीबी है, उधर से ऐसी कई न्यूज़ मिलेगी इनको, क्या पता उनकी बेटी जिन्होंने ये बैन किया उनकी दूसरी बेटी कन्वर्ट करके दूसरे देश में मिले। ब्रिजेश सिंह उनको तो मैं हमारे पापा की तरह है, वो जो हम अपनी लड़कियाँ, हम सबको अपनी लड़कियाँ मानते हैं वो, तभी उन्होंने हमारे लिए इतना सब हमारे लिए उन्होंने सोचा था जय। इसे देखिए बहुत अच्छा बताया, फिल्म बनाने वाले भी बहुत धन्यवाद है इसका, कि हर माँ बाप को सबको ये पिक्चर देखना जरूरी है। कि मेरा तो पापा भी ठीक नहीं रहा, मेरा तो अभी के मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसा हो रहा है मेरे को ये देख के, कि हमारी भी बेटी हो, हम लोग ये एरिया में रहते हैं, हम लोग को बहुत जरूरत हो रहा है पिक्चर देख के। धन्यवाद बनाने वाले को, मेरा साथ दे दो, धन्यवाद है हम लोग का। ये पिक्चर हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छी एक सीख है और हम अपने बच्चों को केयर कर सकते हैं, अपने बच्चियों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और अपने धर्म के बारे में हम बताना चाहते हैं। असीमा जैसे जो लोग कार्य करते हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत सही, उसने मतलब अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत अच्छी तरह का रोल निभाया, उसके लिए उनको धन्यवाद।